गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगनर योर हिंदी सीरीज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे HTML लिस्ट के बारे में कि कैसे हम अपने वेब पेज पे कैसे हम HTML की लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे अगर आइटम है, उसकी हम लिस्टिंग कैसे करें, 1, 2, 3 के फॉर्म में या फिर ABCD के फॉर्म में या फिर रोमन के फॉर्म में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे उसको लिंकिंग करें। दोस्तों, HTML में लिस्ट दो टाइप की होती है, कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होती है कि अगर कोई आइटम हमारे पास लिस्टेड है ऐसे, तो उसके सामने हम या तो ये डॉटेड बुलेट्स लगा देते हैं या फिर सर्कल या फिर स्क्वायर, जैसे भी इसमें HTML में प्री डिफाइंड सिंबल होते हैं वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं। जबकि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि हमें बाई डिफॉल्ट हमें वहाँ पे नंबरिंग मिल जाती है। अगर हम वहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं कि नंबर फॉर्मेट में, तो वो नंबर फॉर्मेट में आ जाती है, या फिर कैपिटल ए लिख दे तो कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसे करके नंबरिंग हो जाती है, स्मॉल में लिख दे तो स्मॉल में हो जाती है, या फिर रोमन में चाहे तो रोमन में लिख उसकी टाइप को डिफाइन कर सकते हैं और वो इजीली उसके अकॉर्डिंग सारे आइटम्स की लिस्टिंग कर देगा। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ HTML की है लिस्टिंग, क्योंकि इसकी हेल्प से हम नेविगेशन, जो आपने देखा होगा बहुत सारी साइटों पर नेविगेशन लिंक हम बना सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर लिखा होता है नेविगेशन में होम न्यूज़, ये जो कुछ भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप साइटों पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करें तो और भी एक सब मेन्यू खुल जाती है, वो सारा इसी के थ्रू बना होता है और इसकी स्टाइलिंग करके आप ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में इसके एक एक स्मार्ट पार्ट को भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने HTML पेज पे कैसे लिस्टिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। तो यहाँ पे हम सिंपल एक लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए हमें UL लिखना पड़ता है, यहाँ पे UL टैग ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, और यहाँ पे उसके अंदर के जो भी आइटम है उसकी लिस्टिंग के लिए यहाँ पे LI टैग होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पेयर में आते हैं ये। यहाँ पे आप लिस्टिंग के लिए कुछ भी लिख लीजिए, जैसे कि कॉफ़ी होगी, यहाँ पे मिल्क हो गया, यहाँ पे मिल्क हो गया और यहाँ पे टी हो गया। कुछ सेव करके इसकी आउटपुट को हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आइटम की लिस्टिंग हो गई। इसके आगे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्कल आ जाता है। हम चाहें तो इसकी टाइप को डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए हम देखते हैं इसके जो इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्कल है, डार्क सर्कल, हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे UL के टैग के अंदर ही हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी उसकी। स्टाइल टैग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे HTML सीरीज की प्लेलिस्ट में वो स्टाइलिंग टैग के बारे में बताया गया है। तो हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम डिस्क चाहते हैं वहाँ पे या फिर सर्कल चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें डिस्क चाहिए या सर्कल चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले अभी सर्कल था, हम यहाँ पे स्क्वायर करके देख लेते हैं। इसको सेव करते हैं, इसकी आउटपुट को हम देखते हैं यहाँ से। ये देखिए, अभी यहाँ पे सिंबल जो आ गया वो स्क्वायर का आ गया। और भी आप चेंज करके देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्क कर देता हूँ, इसको सेव करके या फिर इसी पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, ये डिस्क आ गया। फिर हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं, रिफ्रेश करिए। ये देखिए, यहाँ पे एम्प्टी सर्कल आ गया। या फिर आप नन भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई स्टाइलिंग आपको नहीं चाहिए यहाँ पे तो नन कर सकते हैं यहाँ पे। इसको रिफ्रेश करके इसकी आउटपुट को देख लीजिए। ये देखिए, सारी यहाँ से लिस्टिंग की जो भी सिंबल थे यहाँ से चले गए। तो भी मैं इसको डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे अभी लिख देता हूँ सर्कल। दोस्तों, ये थी अनऑर्डर लिस्ट। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि हम कैसे ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी नंबरिंग कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टैग यूज होता है वो OL टैग यूज होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसके दोनों होते हैं, पेयर में आते हैं ये दोनों टैग। इसके अंदर भी सेम हम वैसे ही ये सारे लिस्टिंग आइटम जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि इसकी लिस्टिंग हम इसमें ऑर्डर लिस्ट में देखिए कैसे कर सकते हैं। इसमें हम जैसे भी चाहें नंबरिंग फॉर्मेट में या फिर अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में, स्मॉल या अपर केस जैसे भी आप करना चाहें या फिर रोमन फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं नंबरिंग फॉर्मेट में हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे OL के अंदर ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी किस टाइप से। जैसे कि हम नंबरिंग फॉर्मेट में चाहते हैं तो इसको नंबरिंग फॉर्मेट में कर दिए। सेव करके इसकी आउटपुट को देखते हैं हम। ये देखिए, ये अभी ऑर्डर लिस्ट की ये नंबरिंग फॉर्मेट आ गई है। हमने डिफाइन किया था इसकी टाइप नंबर फॉर्मेट में, तो ये ऑटोमेटिकली आगे की जो भी लिस्टिंग होगी वो उसके सीक्वेंस में
ऐड करते जाएगा। अब इसको हम फॉर्मेट को डिफाइन कर देते हैं अल्फ़ाबेट में, कैपिटल अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में, तो देखते हैं इसकी आउटपुट को। आप देखिए ये ABC कैपिटल लेटर में लिख लिया, या फिर आप यहाँ पे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख के इसकी आउटपुट देख लीजिए, ये स्मॉल लेटर में उसको सीरियल वाइज कर देगा। या फिर आप यहाँ पे कैपिटल आई लिख लीजिए जो कि रोमन होता है, जैसे कि आपको पता हो यहाँ पे आई एक जो इस लिखते हैं वो एक नंबर के लिए होता है, यहाँ पे डबल आई हम लिखते हैं तो वो टू टू हो जाता है, फिर ट्रिपल लिख देते हैं तो थ्री हो जाता है, ये आई और वी लिख देते हैं तो ये फोर हो जाता है, ऐसे करके आपको रोमन अंक के बारे में पता ही है। तो हम इसको सेव करके इसकी आउटपुट देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 कर दिया ही रोमन फॉर्मेट में। ऐसे करके दोस्तों आप ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको इसको मैनेज करना है वैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, जैसे हमें किसी किसी वर्ड की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं वाइट, अगर हमें वाइट की डिफिनीशन देनी हो या फिर वाइट के कोई बिहेवियर के बारे में लिखना हो, ऐसा समझ लीजिए कि ये एक हेडिंग होगी, फिर इसके जस्ट यहाँ से हमें इसके नीचे से हमें इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देनी होगी कि ये वाइट क्या चीज़ है। तो जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं वाइट रिप्रेजेंट पीस, वाइट की ये एक तरफ से मान लीजिए कि ये डेफिनेशन होगी, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह से हम लिस्टिंग करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर जो डिफाइनिंग टर्म है वो यहाँ पे आए और जो उसके बारे में डिस्क्राइब हो वो यहाँ पे आए। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के थ्रू। इसके अंदर तीन टैग यूज होते हैं, एक DL टैग, एक होता है DT टैग और एक होता है यहाँ पे DD टैग। तो दोस्तों जो DL जो टैग होता है ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज होता है, और ये जो DT टैग होता है ये उस टर्म को डिफाइन करने के लिए होता है कि किस टर्म को हम डिफाइन करना चाहते हैं, और जो DD टैग होता है उसके अंदर हम पूरी उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डिफाइनिंग जो नेम होते हैं उसकी। तो चलिए हम देखते हैं इन तीनों का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ DL टैग, स्टार्ट करता हूँ। ये DL टैग पेयर में ही आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। फिर हम यहाँ पे डिफाइनिंग टर्म हम लिख देते हैं कि जिसको हमें डिफाइन करना है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं वाइट। अब हम इसकी डेफिनेशन यानी कि डिस्क्राइबिंग टर्म लिख देते हैं, जैसे कि वाइट स्टैंड्स फॉर पीस। इसको सेव कर देते हैं और इसकी हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए ये वाइट, फिर वाइट स्टैंड फॉर पीस, तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जहाँ पे हम किसी लिंक पे कर्सर को अपने लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक सब मेन्यू खुल जाती है, यानी कि वो नेस्टेड लिंक होती है। जैसे कि ये पहले लिंक है, फिर उसके अंदर लिंक है, तो ये लिस्टिंग जो होती है उसके अंदर भी, इस लिस्ट के अंदर भी लिस्टिंग होती है। तो उसको हम देखिए कैसे कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड HTML लिस्ट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये जो हमारा टैग था मिल्क, इसी के अंदर हमें एक और जैसा भी चाहे ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, जैसे भी आप चाहें आप लगा सकते हैं इसके अंदर ही, जो भी चाहें जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, ऑर्डर या अनऑर्डर जैसे भी आप चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे फिर आप लिस्टिंग कर दीजिए जो भी आइटम आपको चाहिए यहाँ पे, जैसे कि मिल्क, मिल्क में कुछ भी डाल दें, जैसे वेर का, फिर नेस्ले, जो कुछ भी, ऐसे ही बहुत सारे आप आइटम ऐड कर सकते हैं। इसको सेव करके इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए जो हमने मिल्क में डिफाइन किया था वो नेस्टेड ये इसके अंदर आ गया। ये तो दोस्तों अभी हमने इसमें स्टाइलिंग नहीं किया, तो ऐसा करके ये ऐसे आ रहा है। अगर हम इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे तो जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तब ये सारे शो होंगे, वो बाकी सारा ये पार्ट CSS में आता है। उसके लिए भी मैं CSS की सीरीज को बनाऊंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि हम कैसे नेविगेशन लिंक को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।